हेलो फ्रेंड्स, आप सबको स्वागत है मेरे और एक फ्रेश एंड जबरदस्त वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग जो मेरा प्लेन से वो कलकत्ता से आया है। तो फ्रेंड्स, चलिए उसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं उसके अंदर कौन सा प्लेन्स है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं एक कैरेट के ऊपर आया है, जो एप्पल का कैरेट होता है, अंगूर का, ग्रेप्स का कैरेट होता है, उसके अंदर करके आया है। पेपर का जो ऊपर का लेयर है उसको हटाते हैं और फ्रेंड्स देखते हैं कि नीचे कौन सा प्लेन्स है। तो पूरा वीडियो देखिए क्योंकि इसके अंदर पूरा इन्फॉर्मेशन होने वाला है और फ्रेंड्स बहुत सारे प्लेन्स के बारे में भी आपको जानने मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ऊपर जब हमने खोला, पहला जो प्लेन्स है वो 12 मंथ शिवली फ्लावर है, जो डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट नामों से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, और आगे आप देख सकते हैं जो पेपर से मुरा हुआ है वो है एलामुंडा का रेड कलर वाला। तो देख सकते हैं काफ़ी बूशी प्लेन्स आए, 3-4 ब्रांच करके है उसके अंदर। तो देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी सही प्लांट्स है। और देख सकते हैं फ्रेंड्स, नीचे जो है हमारा जो मिट्टी है उसको भी इस तरह से बांधा गया है कि मिट्टी अगर कोई भी उसको प्रेशर लगे वो खुल ना जाए और मिट्टी हट ना जाए, ताकि रूट्स सही रहे। अगर फ्रेंड्स रूट सही रहेगा तो प्लांट्स कुछ दिनों के अंदर सही हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स वो काफ़ी दूर से आता है। और फ्रेंड्स, अगर उसको हम इस तरह से देते तो अगर कोई प्रेशर लगता है तो मिट्टी हट जाता है और पौधा मरने का काफ़ी सारा चांसेस रहते हैं। तो जब भी आप प्लेन्स मंगवाए तो उसको बोलिए कि अच्छी तरह से रूट्स को बांध के दीजिए, ताकि आपका मिट्टी जो है वो सही रहे। और फ्रेंड्स, ज़्यादा मिट्टी आने से भी वेट ज़्यादा हो जाता है, कॉस्टिंग भी ज़्यादा आ जाता है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हम किस तरह से माल लाते हैं हमारे नर्सरी के लिए। देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारा पौधा है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको हर किसी प्लेन्स का रेट बता देता हूँ। हमारा जो है एक जो रेड एलामुंडा देख रहे हैं, मैं साइड में आपको पिक्चर भी लगा के दे दूँगा, तो उसका जो रेट है मुझे आया है करीब 40 से 50 रुपए के आसपास। तो फ्रेंड्स, आप नीचे बताओ आपके यहाँ पे ये जो पौधा है वो कितने रुपए में मिलता है। तो देख सकते हैं जो नीचे अच्छी तरह से फाइबर का जो वायर देख सकते हैं आप यहाँ पर, तो उस अच्छी तरह से प्लांट्स आए, बहुत सही प्लांट्स आए। थोड़ा सा पत्ता तो गिरेगा ही, क्योंकि फ्रेंड्स 3-4 दिनों के अंदर वो पहले पैक हुआ था, 3-4 दिन के बाद मुझे प्लांट्स मिल रहा है, तो उसी वजह से थोड़ा सा पत्ता गिरेगा ही। और फ्रेंड्स देख सकते हैं एक शायद बुगनविलिया का प्लांट्स है, क्योंकि नीचे नेट पॉट है। और फ्रेंड्स, अगर नीचे नेट पॉट होगा तो हमको उसको काटना पड़ेगा, तो मैं उसको नेट पॉट को साइड में रखता हूँ और फ्रेंड्स आगे नेट पॉट को भी काट के दिखाऊंगा। और फ्रेंड्स, नेट पॉट होने से दिक्कत होता है एक, और एक प्रॉफिट वाला भी काम है। प्रॉफिट वाला काम है जब पौधा आता है तो मिट्टी ज़्यादा नहीं, रूट से अलग नहीं होता, मिट्टी रूट्स के अंदर लगा हुआ होता है, तो प्लेन्स भी सही होता है। अगर फ्रेंड्स हमने अगर नेट पॉट नहीं होता तो मिट्टी झड़ने का चांसेस ज़्यादा रहता है और प्लेन्स सर्वाइव काफ़ी कम करता है। तो फ्रेंड्स, उसी वजह से नेट पॉट का एक फ़ायदा है। लेकिन दूसरा जो उसका जो प्रॉब्लम है, नेगेटिव साइड जो है, वो पौधा अच्छी तरह से ग्रो नहीं करता, कुछ दिनों के बाद मरने लगता है, अच्छी तरह से प्लांट्स खिलता नहीं है, तो वो प्रॉब्लम आपको फेस करना ही पड़ेगा। और फ्रेंड्स, जब भी आप प्लांट्स मंगवाएं तो ज़रूर बायर से पूछे कि नेट पॉट तो नहीं है। अगर नेट पॉट का कोई भी सामान प्लांट हो तो उसको बिल्कुल ही मत लीजिए, आप उसको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। फ्रेंड्स, अगर नेट पॉट का सामान ले रहे हो, कोई भी प्लांट ले रहे हो, तो आप कोशिश करो कि उसको घर पर ला के एक नया पौधा उसे तैयार कर लो, उसके बाद फ्रेंड्स आप उसको अच्छी तरह से केयर कर सकते हो। अगर कुछ ख़राब भी हो गया तो दिक्कत वाली बात नहीं है, नया पौधा आपके पास रहेगा, नहीं तो फ्रेंड्स आपका काफ़ी सारा पैसा नुकसान में जा सकता है। और फ्रेंड्स, ये जो पेपर मोड़ के देने का पत्ते के अंदर, वो एक सही चीज़ यह होता है कि पौधा जो है वो अच्छा रहता है, पत्ता जो है तो उसके अंदर स्पॉट नहीं होता। और फ्रेंड्स, जो उसके अंदर ह्यूमिडिटी होता है मिट्टी के अंदर, अगर थोड़ा सा भी पानी बच जाता है वो रहता है, तो क्या कहते हैं पेपर क्या होता है, पानी को सूख लेता है, तो उसी वजह से प्लांट्स काफ़ी सही रहता है और फंगस का अटैक नहीं होता, तो फ्रेंड्स पौधा तो काफ़ी सही रहेगा ही। और फ्रेंड्स, उसी वजह से आप उसको प्रेस भी कर सकते हो, तो जो प्लांट्स का पत्ता होता है और ब्रांच जो होता है वो ज़्यादा डैमेज नहीं होता। तो प्रोसेस आप देख सकते हो किस तरह से करते हैं। और फ्रेंड्स देख सकते हैं प्लांट्स भी काफ़ी सही है, अभी तक जो जितना हमें मिला है सब मल्टी ब्रांचेस है, सबके अंदर अच्छी तरह से पत्ता है, फ्लावर भी किसी किसी के अंदर आ रहा है, तो आपको वो भी दिखा दूंगा। और पत्ता जो है, लीव्स जो है वो काफ़ी सही है, आपको देख के पसंद आ जाएगा। और फ्रेंड्स काफ़ी लंबा वाला भी आया, लेकिन नॉर्मली आप जब भी खरीदें तो उतना लंबा प्लांट्स मत खरीदिए, कोशिश करिए कि छोटा प्लांट्स खरीदें, ताकि आप अपने घर पर ला के उसको अच्छी तरह से केयर करके ग्रो कर सके। देख सकते हो व्हाइट कलर का जो हमारा बुगनविले का है,
काफ़ी लंबा वाला है, काफ़ी एक्सपेंसिव है। हमारा जो ए वाला जो बोगनविलिया है उसका रेट्स हमको आया है 90 रुपये के आसपास, और एक्स्ट्रा कॉस्टिंग जो होता है, जो लेबर कॉस्ट होता है, जो कुरियर चार्जेस का कॉस्ट होता है, वो लगा के करीब 100 रुपये के आसपास आया है हमारा। तो फ्रेंड्स आप बताओ आपके यहाँ पे कितने रुपये में सेल करता है, नीचे कमेंट करके हमको ज़रूर बताओ। फ्रेंड्स आपको प्लान्स अभी तक कितना सही लगा नीचे कमेंट करके हमको ज़रूर बताओ। और फ्रेंड्स अभी तो नीचे और भी बहुत सारा प्लान्स है, अभी तक तो हमको रबर प्लान्ट भी नीचे दिख रहा है, काफ़ी सारा पौधा आया है। उससे पहले एक दो दिन पहले भी हमारे पास काफ़ी सारा पौधा आया था, और फ्रेंड्स अगले एक दो हफ्ते के अंदर भी हमको काफ़ी सारा पौधा और भी आने वाला है। तो फ्रेंड्स सबका मैं दिखाऊंगा कि कैसा कंडीशन है और किस तरह से हम उसको ग्रो कर रहे हैं और किस सिचुएशन में रख रहे हैं। तो फ्रेंड्स वो भी देख सकते हैं, रबर प्लांट्स नीचे मिट्टी के अंदर देख सकते हैं, इससे वही वाला रस्सी लगा के आया है जूट का, जो हमारे यहाँ पे इजीली मिल जाता है। और देख सकते हैं काफ़ी सारा, काफ़ी सही में रबर प्लांट्स है। ये देख सकते हैं 12 मंथ शिवली का पौधा है, साइड में मैं आपको फ्लावर भी दिखा दूँगा, ऑल टाइम शिवली भी जिसको कहते हैं, आप अपने हिसाब से बोल सकते हैं नाम, काफ़ी सारे एरिया पे काफ़ी सारे डिफरेंट नामों से वो पहचाना जाता है। ये देख सकते हैं फिर से रबर प्लांट्स का दूसरा वेराइटी है, आप ये देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं जो ग्रीन कलर के अंदर येलो का स्पॉट है, काफ़ी नया वेराइटी है, बहुत ही अनकॉमन वाला वेराइटी है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत वाला पौधा है। अगर आपको फ्रेंड्स कोई भी प्लांट्स का बारे में बहुत डिटेल में जानना है तो नीचे कमेंट करके आपको बता सकते हो, मैं पूरा डिटेल में वीडियो ला दूंगा। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं शिवली जो है हमारे पास वो 12 वेराइटी का अवेलेबल है। फ्रेंड्स इसको जो ज़्यादातर लोग बोलते हैं हरसिंगर के नाम से जाना जाता है, और फ्रेंड्स ये ऑल टाइम फ्लावरिंग करता है, वो वाइट और ऑरेंज कलर की कम्बिनेशन पे आता है, काफ़ी अच्छा खुशबू होता है। और फ्रेंड्स अगर सुबह के टाइम उसको उसके पास जाओ तो बहुत अच्छा खुशबू देता है। और फ्रेंड्स इसको आप 10-12 इंच के पॉट में अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हो और काफ़ी सारा फ्लावर देगा, और ऑल टाइम फ्लावर देता ही जाएगा, तो उसका एक बहुत ही अच्छा फ़ायदा है। तो आप उसको उसी तरह से ग्रो कर सकते हो, ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है, धीरे धीरे से महीने में एक बार फर्टिलाइज़ करते जाओ और अच्छा फ्लावर लेते जाओ, और फ्रेंड्स खुशबू तो वो देता ही जाएगा। फ्रेंड्स एक प्लांट्स होना चाहिए हर किसी के घर में, तो काफ़ी अच्छा खुशबू होता है। तो फ्रेंड्स देख सकते हो ये हमारा बोगनविलिया का पौधा है जिसका हम नेट पॉट कट कर रहे हैं। तो नेट पॉट कट करने का वही तरीका है पूरा, आपको अच्छी तरह से, क्योंकि काफ़ी बड़ा प्लांट्स है, प्लांट्स मिट्टी अगर ज़्यादा हट गया तो प्लांट्स ख़राब होने का काफ़ी ज़्यादा चांस रहता है, तो आपको वो चीज़ ख्याल रखते ही आगे करना है। तो धीरे धीरे से एक शार्प सीजर लेके आपको धीरे धीरे से ऊपर वाले साइड से उसको धीरे धीरे से कट करके स्लोली आपका नेट पॉट को जो है देख सकते हैं 4-5 साइडों से धीरे धीरे से करके उसको हटाना है, और धीरे धीरे से कि मिट्टी हट ना जाए, और रूट्स के अंदर थोड़ा सा जो मिट्टी लगा हुआ है वो ज़रूर होना चाहिए, तभी प्लांट्स सर्वाइव करने का चांसेस ज़्यादा है। और फ्रेंड्स जो नेट पॉट कट कर रहे हो वो आप कोशिश करो कि नेट पॉट पूरा काट दो, अगर ज़्यादा टाइट तरह से लग गया है तो जस्ट जितना हो सके उसको काट के फेंक दो, रूट्स को जस्ट ग्रो करने का अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो फ्रेंड्स वो अच्छी तरह से ग्रो होगा। और फ्रेंड्स लगाने के बाद आप कोशिश करो कि किसी भी साइड से उसको ज़्यादा टेम्परेचर ना मिले और डायरेक्ट सनलाइट ना मिले, टेम्परेचर ज़्यादा लगेगा और साइड से धूप भी लगेगा तो फ्रेंड्स प्लांट्स तो मरेगा ही। और पानी का तो पूरा ख्याल रखना है आप पहले, जस्ट हम तो अभी रात के अंदर काम कर रहे हैं, आप ख्याल रखो कि पहली बार जस्ट उसको एक शावर दो और कुछ टाइम बाद 6-7 घंटे के बाद अच्छी तरह से उसको पानी दे दो, और उसके बाद फ्रेंड्स एक फंगीसाइड से नहला दो, और रूट्स के अंदर भी फंगीसाइड्स का जो पानी है वो पहुँच सके इस तरह से आप पानी दो। और फ्रेंड्स पानी भी अच्छी तरह से ख्याल करके दिन में एक बार पानी दो अगले दिन से, तो फ्रेंड्स देखोगे आपका प्लांट्स काफ़ी सही रहेगा। पानी ज़्यादा होगा उसी टाइम तो प्लांट्स चला जाएगा, पानी कम होगा तब भी प्लांट्स चला जाएगा, वो टाइम पौधों के लिए काफ़ी नाजुक पल होता है, क्योंकि फ्रेंड्स तब प्लांट आईसीयू में रहता है, तो आपको वो चीज़ पूरा ख्याल रखना है। तो फ्रेंड्स आप नीचे कमेंट करके बताओ आपको इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, वीडियो कैसा लग रहा है। और फ्रेंड्स चैनल का अगर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देख सकते हो फ्रेंड्स अच्छी तरह से उसको हटाना है, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है।
फ्रेंड्स, करीब करीब 5 दिनों के बाद आप देख सकते हैं हमने काफ़ी सारा पौधा हमने बोला था आया है। ये देख सकते टेकोमा का यहाँ पे 3 कलर अवेलेबल है, तीनों कलर का काफ़ी अच्छा ग्रोअर है। तो फ्रेंड्स ये देखते हैं फुरुष जो पिंक कलर का है, तो देख सकते हैं उसका भी नया ब्रांच आ रहा है। और ये देख सकते हैं फुरुष रेड कलर है, वो भी अच्छा ग्रो कर रहा है। और फ्रेंड्स हमने सबको करीब करीब 6 इंचेस का जो पोलीबैग होता है हमने उसके अंदर लगाया। देख सकते हैं ये जो व्हाइट कलर का पौधा मैंने आपको दिखाया था उसका भी नया पत्ता आ रहा है और एक भी प्लांट्स ख़राब नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं फास्ट लव वाला पौधा है और यहाँ पे हमने पाइन भी दिखाया आपको। ये देख सकते हैं सारे प्लांट्स हमारे पास जो आया है, देख सकते हैं 12 मंथ का सिंगर जो हमने शिवली बोला था, तो सिंगर का प्लांट्स है वो अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। और ये देख सकते हैं ये है पैशन फ्लावर रेड कलर का, अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। और फ्रेंड्स ये देख सकते हैं हमारे पास जो है ये है स्वर्ण चंपा और सोन चंपा भी, गोल्डन चंपा भी उसको कहते हैं। और ये देख सकते हैं रबर प्लांट में हमने जो दिखाया था जो ग्रीन कलर के अंदर येलो स्पॉट का है हमने आपको दिखाया था, ये देख सकते हैं रबर प्लांट वो भी हमने आपको दिखाया था। यहाँ पे 3-4 ब्रांच वाला पौधा है, काफ़ी अच्छा पौधा है, मुझे काफ़ी पसंद है। ये देख सकते हैं रेड कलर का जो हमने एलामुंडा आपको दिखाया था, यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सही प्लांट्स आए, काफ़ी सही मुझे काफ़ी पसंद आया है। पीस लिली का है, तो देख सकते हैं सारे प्लांट्स यहाँ पे लगा हुआ है। और फ्रेंड्स उसके साथ देख सकते हैं स्वामी प्लांट वो भी है हमारे यहाँ पे, तो देख सकते हैं बहुत सारे प्लांट्स है, एक भी प्लांट्स ख़राब नहीं हुआ अभी तक। तो फ्रेंड्स साइड से जहाँ से धूप आता है हमने उसको एक नेट लगा दिया है ताकि धूप अच्छी डायरेक्ट ना लगे। ये देख सकते हैं हमारा क्रिसैंथेमम का पौधा है, क्रिसैंथेमम भी सही है, काफ़ी सही है। एक देख सकते हैं एक रह गया था तो उसी वजह से 2 दिन बाद हमने लगाया तो पूरा पौधा ही ख़राब हो चुका है। जो इंस्टेंट आया है, इंस्टेंट लगाया, वो काफ़ी सही है। तो फ्रेंड्स आज के लिए विदा लेते हैं, कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। आज के लिए विदा लेते हैं, बाय फ्रेंड्स।